हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। और जैसे हमने डिस्कस किया था कुछ वीडियोस पहले, तो आज हम करेंगे रिव्यू रेजरॉक लूपो ओपन कोम 0.72 mm का गैप है ऐसा इसमें बताया जा रहा है। खैर वो तो ब्लेड लगाने के बाद ही पता पड़ेगा। तो आज इसको रिव्यू करेंगे, यूज करेंगे और कुछ और प्रोडक्ट्स, एक इंटरेस्टिंग ब्रश के बारे में मेरे को बात करना है आपसे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का ये शेविंग वीडियो। सबसे पहले प्रीटेक्स्ट, मतलब शेविंग के पहले मैंने क्या किया, मैंने आज फेस वॉश किया है पतंजलि के इस एक्टिवेटेड चारकोल विटामिन ई विटामिन ए फेस वॉश से, क्योंकि आज मैं यूज करने वाला हूं प्रिस्टीन का ये सीड्रस शेविंग सोप। ओके, इसके बारे में बात करेंगे जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होगा वैसे। और ऑफकोर्स रेजरॉक लूपो ओपन कोम 0.72, इसके साथ में आज जो ब्लेड यूज कर रहा हूँ दैट इज सुपर मैक्स प्लैटिनम प्लस। और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लिख के रखा है इट हैज बीन यूज्ड वंस, मतलब आज इसका सेकंड यूज होगा। सो गर्म पानी मैंने आज यूज किया है क्योंकि आज का क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा भी है। और ब्रश जो है वो मैंने गर्म पानी में ही डिप करके रखा है, बोर हेयर ब्रश। ओके, सो दिस इज अ न्यू ब्रश एंड ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा है। तो मैंने इसको 5 मिनट हुए होंगे ये थोड़ा डिप करके रखा है, और इसको जैसे ही ये मेरे पास आया था मैं इसको लादर कर रहा हूँ रेगुलरली। सो थोड़ा स्प्ले तो इसका बढ़ गया है और वो स्प्ले दिखेगा जैसे हम इसको यूज करेंगे। सो अभी मैं इसको डिप रखता हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी चेहरे पे अप्लाई करता हूँ। आज कोई प्री शेव ऑयल वगैरह यूज नहीं करेंगे हम, प्री शेव कोई भी प्रोडक्ट जस्ट लाइक दैट। काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ यार मैं, सो अभी नहीं करूंगा जस्ट फॉर अ चेंज। और चलिए प्रिस्टीन सीट्रस शेविंग सोप, क्विंटेसेंशियल लक्जूरियस शेविंग, 100 ग्राम्स का शेविंग सोप है एंड इट इज ऑफकोर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रिस्टीन शेविंग। आई थिंक इट इज पैक्ड एंड मार्केटेड बाय प्रिस्टीन शेविंग, मैन्युफैक्चर्ड बाय का तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है। इसमें इंस्ट्रक्शंस देके रखे हैं कि आप कैसे यूज कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स देखे रखे हैं। सो की इंग्रेडिएंट्स आर कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, होबा ऑयल, आमंड ऑयल, कोकोनट मिल्क, गोट मिल्क, शिया बटर, सनफ्लावर ऑयल, विटामिन ई, लाई, एक्वा एंड कैस्टर ऑयल। ठीक है, सो इसको ओपन करते हैं। कुछ इस तरीके का ये शेविंग सोप है। ओके, इट्स रियली वेरी नाइसली सीट्रस यार, बहुत बढ़िया सीट्रस खुशबू। आई मीन सीट्रस खुशबू में वन ऑफ द बेस्ट सेंट्स इज फ्रॉम प्रिस्टीन सीट्रस। तो कोई ब्लूम वगैरह नहीं किया, हाँ बट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस पे वो ग्लिसरीन ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, प्रॉबेबली बिकॉज यू नो द ग्लिसरीन जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है पानी एटमोसफियर में से भी। डायरेक्टली लादर कलेक्ट कर रहे हैं हम ये सोप के ऊपर से, ब्लूम वगैरह कुछ नहीं किया। ओके, इतना शेविंग सोप कलेक्ट किया हमने। नाउ आई डोंट नो वेदर विल हैव अ लादर इट अ प्रॉब्लम विद दिस बोर हेयर ब्रश या कैसा होता है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा जरूरत पड़ सकती है ज्यादा की, बट वो डिपेंड करता है कि कितना लादर इट अप वगैरह होता है। ओके, दिस हैज बिकम काइंड ऑफ अ प्री शेव लेयर। बहुत बढ़िया खुशबू यार, सटल से थोड़ी ज्यादा बट नॉट ओवर पावरिंग सीट्रस सेंट। ब्रश को भिगोने के बाद में डेफिनेटली इसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हो गए हैं, अदरवाइज बोर हेयर ब्रश के जो होते हैं ब्रिसल्स हार्ड ही होते हैं और वो भिगोने के बाद में सॉफ्ट हो जाता है। या फिर आप उसको ठंडे पानी से भी अगर लादरिंग करें तो शेविंग करने के पहले अगर आप उसको थोड़ा भिगो करके ठंडे पानी में, नॉर्मल क्लाइमेट्स में, अभी तो ठंड बढ़ गई है सो अभी तो वार्म वाटर में इसको सोक करके रखना पड़ता है, बट अदरवाइज जैसे गर्मियों में भी अगर आप नॉर्मल पानी में इसको भिगो के रखें तो थोड़ा सा स्प्ले बढ़ता है एंड थोड़े से ब्रिसल सॉफ्ट होते हैं। ओके, तो अभी तो इतना लादर हो रहा है। मच्छर भाई साहब कैसे हो आप, हेलो, आई वॉज मिसिंग मच्छर भाई साहब। अच्छा, सम पीपल में से कि यार मच्छर भाई साहब ही क्यों, बहन जी क्यों नहीं, सो यार आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट। आई मीन दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। ओके, सो इस तरीके से जो है
वो लादर अप्लाई हो रहा है एंड नाइस ओके सिंथेटिक ब्रिसेस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि लादर इज अ बिट मोर फ्लफी एंड वॉल्यूम उसका ज्यादा होता है. बोर है ब्रशेस में लादर मे बी अ बिट पेस्टी एंड वॉल्यूम रहता है बट सिंथेटिक ब्रशेस में थोड़ा ज्यादा होता है. सिंथेटिक ब्रशेस आर नो नॉनसेंस ब्रशेस है, मतलब कोई भिगाने की जरूरत नहीं उनको कुछ, उनको ज्यादा बहुत ज्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं लगता है. ये सब एडवांटेजेस हैं डेफिनेटली सिंथेटिक ब्रशेस के. बट हाँ, ये ब्रश अभी तक तो ठीक है, विल सी इन द सेकेंड पास क्योंकि लादर ईटअप हुआ है कि नहीं हुआ सेकेंड पास में ही पता पड़ेगा. रेजर मैंने डिसअसेंबल कर लिया है हैंडल और हेड को, और ऑफ कोर्स अगेन थैंक्स टू राहुल शर्मा जी फॉर द गेम चेंजर हैंडल एंड संदीप भाई फॉर द लूपो 72 डबल कोम हेड. ठीक है, सुपरमैक्स प्लैटिनम प्लस ऑन यूज नंबर 2. सो इसको जो है वो मैं इसके टॉप कैप पे कर लेता हूँ लोड. ब्लेड लोड हो गई, ब्लेड इज सिटिंग इन द नॉचेस एंड इसको टाइट कर लेता हूं हैंडल लगाकर. नो ओवरहैंग, अगेन इसमें भी कोई ओवरहैंग नहीं है. ओके एंड थोड़ा सा डिप करता हूँ गर्म पानी में, नहीं तो अगर लादर थोड़ा गर्म है और रेजर ठंडा हो गया तो फिर मजा खराब हो जाएगा. ओके चलिए, आज सिर्फ ओपन कोम साइड से ही शेव करना है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स, देख सकते हैं आप ब्लेड गैप वगैरह कितना है, 0.72 बता रहे हैं बट दीज आर ऑल नंबर्स. ओके वाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग फील मेरे को आ रही है, मैं शेयर करता हूं आपसे. आप बोलोगे जावेद भाई दिस इज अ वेरी एब्सोल्युटली रॉन्ग असेसमेंट, बट जो मेरे को फील हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा. जस्ट एक पास कंप्लीट कर लेता हूं. मच्छर भाई साहब पीछे से जा रहे आ रहे हैं. ओके स्लिकनेस चेक, स्लिकनेस इज देयर. इसकी स्लिकनेस अच्छी है यार, दिस शेविंग सोप रियली हैज अ गुड स्लिकनेस. अच्छी स्लिकनेस है, मतलब मीडियम से काफी ऊंची है, काफी ज्यादा लगी मुझे. या डेफिनेटली डेफिनेटली इट इज अ नाइस एंड स्लिक सोप. एंड ऑफकोर्स मैं आपको लिंक्स दे दूंगा या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा हमेशा की तरह कि यू कैन कॉन्टैक्ट क्रिस्टीन शेविंग एंड यू कैन ट्राई दिस सोप. ओके सुपरमैक्स प्लैटिनम प्लस, अच्छी स्मूथ लग रही है आज मुझे. डायमंड एच भी ट्राई की थी मैंने लास्ट टाइम गिव अवे वाले वीडियो में रुबाब मैंने रेजर के साथ में, तो रेजर तो मैंने पहले यूज किया हुआ था, आई नो इट इज अ गुड रेजर, बट वो डायमंड एज ब्लेड ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ भाई. एक पास किया ठीक था बट प्लैटिनम प्लस इज बेटर, बेटर विथ लॉट ऑफ मार्जिन. मतलब ऐसा नहीं 19-20 ऐसा नहीं है, मतलब समझ लीजिए आपकी वो अगर 12-13 थी तो ये अबाउट 19-20 है, इस टाइप का डिफरेंस लगा मुझे. ओपन कोम साइड से शेव कर रहे हैं लेकिन और उसका ओपन कोम के टीथ भी महसूस हो रहे हैं बट बहुत कंफर्टेबल है रियली. वेरी नाइस, एग्रेसिव तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा फॉर श्योर. अब ऑफकोर्स क्योंकि थोड़ी ठंड है तो थोड़ा सा पानी मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया है चेहरे पे, हाँ बट ड्राई नहीं फील हो रहा है और थोड़े गीले हाथों से चेक करते स्लिकनेस इस साइड पे भी, सो स्लिकनेस इज देयर, यस रेसिड्यूअल स्लिकनेस है महसूस हो रही विच इज अ गुड थिंग. चलिए सो फर्स्ट पास हो गया, रिंस करता हूं और फिर बात करते हैं थोड़ा इसके एक्सपीरियंस के बारे में एंड देन फिर सेकेंड पास करते हैं. ओके सो रिंस कर लिया, अब थोड़ा सा जरा एक पास के बाद क्या फील है रेजरॉक लूपो ओपन कोम 0.72 साइड के इसके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
ओपन कोम है ये तो मुझे महसूस हुआ, देर वॉज अ डिफरेंस, जो स्ट्रेट बार वर्सेस ओपन कोम में जो डिफरेंस फील होता है वो मेरे को फील हुआ। हाउएवर इट वॉज नॉट एग्रेसिव एट ऑल, बिल्कुल भी ऐसा एग्रेसिव या बाइटी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, ब्लेड मुझे फील नहीं हुआ। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि लूपो का जो 0.72 है, एंड नीतीश सर ने बोला कि ही ऑल्सो फेल्ट इट मीडियम एग्रेसिव, मुझे भी थोड़ा मीडियम एग्रेसिव साइड में लगा बिकॉज इसमें इस थोड़ा एक्सपोजर है, एंड लगा मतलब थोड़ा मीडियम एग्रेसिव लगा, माइल्ड एंड मीडियम एग्रेसिव इस टाइप का कुछ, इट इज नॉट एग्रेसिव एट ऑल। इसका जो क्लोज कोम साइड है वो भी, बट ओपन कोम साइड मुझे ज्यादा अच्छा लगा। 2 डेज की बियर्ड ग्रोथ है उसके हिसाब से, मैंने क्लोज कोम साइड से भी किया था, ओपन कोम साइड से भी कर रहा हूं, बट प्राइमा फेसी मेरे को ओपन कोम साइड ज्यादा पसंद आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्या डिफरेंस है ऐसा जो विच इज मेकिंग द ओपन कोम साइड मोर स्मूदर, बट आई एम लाइकिंग इट मच मोर देन द क्लोज कोम साइड। यस, और इसमें ब्लेड का वो बाइटी फीलिंग या ब्लेड का एज बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, दैट इज समथिंग वेरी यूनिक। सो ये एक चीज मैंने ऑब्जर्व की। सो या ये आपसे शेयर करना चाहता था इससे पहले कि सेकेंड पास में घुस जाऊं और फिर मैं भूल जाऊं। सो सेकेंड पास करते हैं और फिर जो है देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है फाइनल, ठीक है। सो थोड़ा सा पानी चेहरे पे, ब्रश का भी टेस्ट हो जाएगा। सो ब्रश इतना लादर दिख रहा है, देखते हैं कितना लादर बचता है। इससे मेरे को पता पड़ रहा है कि ब्रश को थोड़ा और ब्रेक इन मुझे करना पड़ेगा बिकॉज इसमें थोड़ा सा बैकबोन है अभी भी, क्योंकि खैर ये गर्म पानी से बाहर हमने रखा था ना, तो वो ठंडी हवा का या ठंडे एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट इसके ऊपर होता है। ओके नाउ इज देयर अ लादर ईटिंग प्रॉब्लम, इट इज टू अर्ली टू से, आप लोग कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है लादर ईटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लादर थोड़ा सा थिन हुआ है क्योंकि मैंने पानी में डिप भी किया है, वो बात तो है। हाउएवर द लादर इज देयर, हाँ बट जितना सिंथेटिक ब्रशेस में होता है उतना नहीं है, बट बाकी ब्रशेस में जो लादर ईटिंग का प्रॉब्लम होता है उतना तो इसमें नहीं हो रहा है। So probably it needs more bacon. That could be one of the things. आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, लादर तो है यार, जैसे मैं पानी ऐड करके और मैं इधर चीन एरिया पे लादर को थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। एंड ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि एक पास के लिए तो मतलब एक और पास के लिए, सेकंड पास के लिए लादर वुड बी सफिशिएंट। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम शेव करके देखते हैं। सो अक्रॉस द ग्रोथ ऑन गालों पे और अगेंस्ट द ग्रेन नेक पे, लेट्स डू अक्रॉस द ग्रोथ। दिस इज वे स्मूदर देन द क्लोज कॉम साइड सरप्राइजिंगली, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट दिस इज लाइक अ रियली गुड सरप्राइज। वेरी स्मूथ, खैर द रियलिटी बाइट्स व्हेन वो एलम फीडबैक लेते हैं हम, तब एक्चुअल पता पड़ता है कितनी स्मूथ या एग्रेसिव शेव हुई है, बट जो मेरे को अभी फील हो रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल भी मेरे को एग्रेसिव नहीं लग रहा ये, इट इज शेविंग वेल एंड इट इज वेरी वेरी स्मूथ ओपन कोम साइड। ओए ठीक है, लादर थोड़ा सा कम हो गया है तो मैं एटलीस्ट इस एरिया में वापस अप्लाई, नाउ लादर इज ओके यार, देखो अब तो अच्छा खासा दिख रहा है लादर। सो दिस मच एरिया वॉज लेफ्ट टू शेव, थोड़ा सा करते हैं। क्यूट
बच्चा यार वैसे चूहे का बहुत। बट वो फिर क्या है, वो कुतर देते हैं ना यार सब चीजें, तो उस चीज का डर लगता है। आई एम श्योर मेरे को यहाँ पे एलम फीडबैक अच्छा खासा मिलेगा, बिकॉज मैंने एकदम खींच देखो, थोड़ा सा रेडनेस हुआ है। सी मुझे ऐसा लग रहा है मैं अच्छे फ्लोरा और फौना के बीच में रह रहा हूँ, सब जानवर आते हैं, मच्छर आते हैं, चूहे आ रहे हैं। ओके कूल, सो सेकंड पास डन, अब मैं रिंस कर लेता हूँ और फिर एलम फीडबैक चेक करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ओके सो बेस्ट फ्रेंड एलम, जो हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। आज पप्पू पायलट इतने नहीं गए यार, और जो गए वो डिस्टर्ब करते हुए नहीं गए, हॉर्न वॉर्न बजाते हुए, वैसा कुछ नहीं हुआ। यू नेवर नो, वीडियो खत्म होते होते 2-3 निकल जाए शायद से। सी इस एरिया में इरिटेशन है, इतने इतने एरिया में बर्निंग मतलब है, बाकी तो गालों पे, यहाँ मूंछ वाले एरिया में, यहाँ पे कोई भी कुछ फील नहीं है, नॉट इवन टिंगलिंग, बट इधर आई हैव अ बर्निंग सेंसेशन, एंड दैट मे बी बिकॉज कि मैंने पिछली शेव में कुछ गड़बड़ करी होगी, कुड बी। थोड़ा कुछ दिख भी रहे मेरे को मार्क्स है यहाँ पे 2, आई डोंट नो, कुछ तो मैंने गड़बड़ करी होगी पहले। रेजर ब्लेड का तो इतना मुझे कुछ लग नहीं रहा है, बिकॉज अगर इरिटेशन होना होता तो फिर वो अगेंस्ट द ग्रेन इधर भी होता, इधर भी होता, इधर भी होता, या फिर हो सकता है मैंने यहाँ पे गलत स्ट्रोक ले ली हो, कुड बी वन ऑफ द रीजंस। तो ठीक है यार, गुड चेक विद एलम, एक्सेप्ट दिस पॉइंट, कुछ और खास फीडबैक नहीं है, सो इट इज गुड। मैं इसको फटाफट रिंस करता हूँ, फिर आफ्टर शेव सेक्शन करते हैं हम लोग। ऑलराइट, सो आज का आफ्टर शेव रुबाब मैन का एक्सटिंग्विश द फायर, ये हम यूज कर रहे हैं काफी ज्यादा, मुझे पसंद आया यार काफी। एक तो इसमें स्टिकी फीलिंग नहीं है, इसमें लैवेंडर की बहुत बढ़िया खुशबू है विच मैचेस विच सीट्रस। सो ऑल्दो ठंड का मौसम है, बट आई वॉन्ट टू रिमेम्बर द समर, सो थोड़ा मैं सीट्रस और थोड़ा सा लेवेंडर ऐसे खुशबू यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच आर वेरी प्लेजेंट। मतलब एक्चुअली हम किसी शेव में शायद शमामा के बारे में बात करें या मस्क के बारे में बात करें। ओके श्योरली। वेरी प्योर लेवेंडर खुशबू, तो ये मेरे को पसंद आ गया यार काफी। सो आई थॉट कि इसके बारे में एक थोड़ा ओपिनियन बनाया जाए, एक्सटिंग्विश द फायर आफ्टर शेव पोस्ट शेव क्रीम के बारे में। सो दैट्स वाई आई थॉट कि इसको थोड़ा रेगुलरली यूज करके देखता हूँ कि कॉन्सिक्वेंट शेव में इसका रिजल्ट कैसा है। अभी तक तो इसका रिजल्ट अच्छा ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो अभी तो एक गिव अवे में भी था, इंस्टाग्राम पे ही रन हुआ था थोड़े दिनों पहले। गुड शेव, अब पूरा एब्जॉर्ब हो गया ये एक्सटिंग्विश द फायर, एंड इट डिड एक्सटिंग्विश द फायर। यहाँ पे जो इरिटेशन बर्निंग हो रही थी वो थोड़ी रुक गई, थोड़ी रेडनेस है, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। अब एक फाइनल कंक्लूड कर लेते हैं हम, स्टार्ट करते हैं रेजर से। सो मैंने आपको बताया सरप्राइजिंगली ओपन कोम साइड 0.72 mm का ब्लेड गैप, वेरी स्मूथ, स्मूदर देन द क्लोज कोम साइड, विच हैज हैपन्ड फर्स्ट टाइम विद रेजर, एक्सेप्ट पार्कर 26C विच इज वेरी स्मूथ, वो काफी स्मूथ मेरे को लगी। सो उसके बाद में द नेक्स्ट स्मूथ रेजर इज दिस वन, मतलब 72 का ये ओपन कोम साइड, आई रियली लाइक इट। उसके बाद में दोस्तों क्रिस्टीन शेविंग सोप, अ नाइस स्लाइटली हायर देन मीडियम स्लिकनेस इसमें है, सीट्रस खुशबू इज वन ऑफ द बेस्ट विच आई हैव ऑब्जर्व येट, एंड यू कैन ऑफकोर्स कॉन्टेक्ट क्रिस्टीन शेविंग टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट दिस शेविंग सोप, दिस गुड सोप, रियली गुड सोप। उसके बाद में दोस्तों ब्लेड सुपर मैक्स प्लैटिनम प्लस परफॉर्म वेरी गुड, शार्प एंड स्मूथ, इट वॉज मोर स्मूथ टूडे देन शार्प, एंड मुझे अच्छी लगी। सो अब मैं ये नंबर 1 को चेंज करके 2 कर दूंगा, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम या तो कोई और ब्लेड यूज करेंगे या फिर यही करेंगे, लेट्स सी। ब्रश के बारे में बात करते हैं, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को ब्रश बोर हेयर ब्रश भेजा था टेस्ट करने के लिए, सो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट कंक्लूडिंग एनीथिंग। काफी बार इसको लादर किया, आज पहली बार फेस लादरिंग मैं यूज करके देखा, लादर तो था सेकेंड पास में जब हमने नीचे इस पर अप्लाई किया था, चाहे तो आप रिवाइंड करके देखिए,
नेक पे तो लादर अच्छा खासा दिखा था, इट डिसिपेटेड बट दिखा था। सो आई से आई यूज इट मोर, इसको और ज्यादा टेस्ट करने की कोशिश करूंगा मैं, शायद और नेक्स्ट शेव में भी इसको यूज कर लें एंड विल चेक। गरम थोड़ा पानी भी आज यूज किया था मैंने, तो मैं सोचा वाई नॉट टेस्ट द बोर हेयर ब्रश। ओवरऑल फिर एक्सटिंग्विश द फायर की मैंने आपसे बात करी ली, सो ओवरऑल गुड शेव, स्मूथ, नियर टू बीबीएस, मतलब डैम फाइन शेव से ज्यादा और बीबीएस से हल्की सी कम, गुड शेव, आई लाइक इट, एक्सेप्ट फॉर दिस आई डोंट नो यार, मैं थोड़ा वीडियो देखूंगा खुद भी तो एनालिसिस करूंगा कि क्या मैंने स्ट्रोक गलत चलाया या ये पहले का जो कुछ इरिटेशन था वो हुआ, पहले भी इधर इरिटेशन हुआ था, सो मे बी मैंने उसके ऊपर ही ब्लेड चला दी उसके कारण हुआ होगा, बट ओवरऑल आई एंजॉयड इट दोस्तों, आई होप आपको भी मजा आया होगा ये वीडियो में। एंड अभी हम नेक्स्ट टाइम रिव्यू करेंगे रेजर ऑफ बीबीएस ए, तो ए स्टेप हमने किया था विच वॉज एग्रेसिव, ए हम करेंगे विच इज सपोज टू बी माइल्ड, देखते हैं उसका कैसा एक्सपीरियंस होता है एंड देन फिर आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों, कीप अप द गुड शेव्स, बाय, नमस्कार, टेक केयर। तो ठीक है, आप सेकंड पास करते हैं। अबे चूहा आ गया, अबे चूहा कहां से आ गया, अरे चूहा आ गया इधर नीचे, मैन आई एम लिविंग इन अ जू। अरे यार ये नीचे यहां पे होल्ड ऑन, सर मैं आपसे बात कर रहा था वीडियो में एंड आए, मुझे ऐसा लगा कि नीचे से कुछ गया, इधर ये छिपकली थी या चूहा, बट अब मैं देख रहा हूँ वो बेचारा चूहा, चूहे का बच्चा है छोटा सा, वो कोने में बैठा हुआ है, सो मैं उसको डिस्टर्ब ना करते हुए शेविंग कंप्लीट करता हूँ और थोड़ा बोलूंगा कम और हिलूंगा भी कम, नहीं तो मेरे ऊपर ही आ जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो दिस इज द मोस्ट व्हाट यार, क्या बोलूँ, ये बिहाइंड द सीन का भी हो गया। ओके तो गुड, पप्पू पायलट आ गया, यस, ऐसे कैसे हो सकता है यार, जॉय वीडियो बना रहा है पप्पू पायलट ना है वो तो नहीं है। सो ठीक है यार, मच्छर भाई साहब भी आ गए, क्या बात है भाई, सोने पे सुहागा, देखो कैसी कहावतें होती है दोस्तों, एक कहावत होती है सोने पे सुहागा और दूसरी कहावत होती है करेला और नीम चढ़ा, है पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव, सोने पे सुहागा करेला और नीम चढ़ा। एनीवेज हाँ।